हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से एक बार आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल गुलजस्ता रोमन में स्वागत करता हूं गाइस। आज मैं वीडियो इसके लिए बना रहा हूं कि हमारे पास जो हम स्मार्टफोन जो है, कोई भी आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो अगर और आपके जो मोबाइल में एप्स है वो आपका क्लिपबोर्ड पढ़ रही है, ठीक है। आपने शायद कैप्शन पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये क्लिपबोर्ड क्या है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ गाइस। क्लिपबोर्ड वो जगह है जहाँ पर हम कुछ भी कॉपी करते हैं। मान लो आपके पास व्हाट्सएप में कोई अच्छा मैसेज आया या फिर आप फेसबुक चला रहे हो, आपको फेसबुक से कोई बात अच्छी लगी, तो आप हम लोग क्या करते हैं उसको पूरा कॉपी कर लेते हैं या फिर चलो फॉरवर्ड कर देते हैं तो अदर बात है, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम कॉपी कर लेते हैं। तो जब आप कॉपी करते हो तो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ये जो क्लिपबोर्ड होता है, मैं यहाँ पर इसी की बात करने वाला हूँ। और जो 59 ऐप्स जो है उसको जो बैन किया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने, तो एक वजह ये भी हो सकती है गाइस कि हालांकि ये जो टिकटॉक है वो भी पढ़ रहा था और बाकी जो सारे ऐप्स है वो भी पढ़ ही सकते हैं शायद, ऐसा न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है और मुझे एक ब्लॉग भी कहीं से मिला था, तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन है जो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई भी मैसेज हमारे पास आता है तो मैसेज का कुछ पोर्शन या फिर अगर पूरा मैसेज अगर हम कॉपी करते हैं तो आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा कि कॉपीड लिखा हुआ मिलेगा, या फिर ऐसा एक मैसेज ब्लिंक होगा कि कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ये क्लिपबोर्ड ऐसी जगह है कि हम जो भी मैसेज कॉपी करते हैं, मान लो आपके पास आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो ऑनलाइन और आपके मोबाइल में सबसे पहले OTP आता है और उसी के ज़रिए आप जो है आगे प्रोसीड कर सकते हो, तो वो अगर आप कॉपी करते हो तो वो भी आपकी ऐप्स पढ़ सकती है। चलो एक दो बंदे का होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब पूरा देश ये जो क्लिपबोर्ड वाला जो सिस्टम है वो अगर यूज़ कर रहा है और ऐप्स तो सारे मोबाइल्स में आते ही है, तो अगर वो भी वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है। चलो कोई मैसेज है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मान लो आपका कोई इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो ATM डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, तो सबसे पहले क्या होता है आपको भी पता है कि हमें जो है लास्ट 6 डिजिट डालने पड़ते हैं, उसके बाद CVV नंबर और एक्सपायरी डालने के बाद हमें क्या होगा कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पे एक OTP आएगा। तो आप क्या करोगे, OTP को है सीधा आप कॉपी कर लोगे, कॉपी करोगे तो वो क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाएगा। तो जैसे ही वो क्लिपबोर्ड में स्टोर होगा तो जो बाकी की सारी ऐप्स है वो भी उसको पढ़ सकेगी। अगर वो चाहती है तो वो उसको अपने सर्वर पे भी भेज सकती है, ठीक है। अगर मान लो कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है तो वो अपने सर्वर पर भी भेज सकती है। हालांकि ये बहुत काम का है, लेकिन हमें जो है, हालांकि ये जो चलने वाला है इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन ये बाहर कैसे आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले एप्पल ने जो है वो iOS 14 उनका लॉन्च किया था, तो अभी तक तो ये बात किसी को पता नहीं थी। टिकटॉक में भी ये सब चल रहा था, टिकटॉक जो है वो भी कर रहा था, तो शायद जो 59 ऐप्स को जो बैन किया गया है तो एक ये भी वजह हो सकती है। तो iOS 14 की बात करें तो उसमें जो है एक सिक्योरिटी पैच दिया गया था कि वहाँ से जो वो iOS 14 का जो सिक्योरिटी पैच था वही से पता चला कि भाई जो टिकटॉक है और बाकी जो सारी ऐप्स है वही से जो हमारा क्लिपबोर्ड होती है वो उसको पढ़ रही है। हालांकि अभी तक ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं थी, हाँ थी लेकिन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल थी, बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन iOS 14 के सिक्योरिटी पैच के लगने के बाद ये बात जो है सबके सामने आ गई गाइस, ठीक है। तो अभी हम इसको प्रिवेंट कैसे कर पाएंगे, हालांकि ये तो हर एक मोबाइल में चलने ही वाला है, लेकिन अगर हमें इससे बच के रहना है, हमारी कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो और किसी के पास ना जाए, क्लिपबोर्ड में भी ना जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है गाइस। डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपके पास अगर कोई आप आधार कार्ड में कुछ एडिशन कर रहे हो अपना, तो उसका अगर OTP आता है तो उसको जस्ट देखो और वहाँ पर टाइप कर दो, उसको कॉपी बिल्कुल मत करो। सेम एज अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो और अगर आपके पास ATM डेबिट या क्रेडिट का नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल में आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर आपका जो OTP आता है उसको भी आप बिल्कुल भी कॉपी मत करो, उसको जस्ट जैसा है वैसा ही देखकर मतलब अपने आप लिख दो। जब आप कॉपी करोगे तो ही वो क्लिपबोर्ड में जाएगा और जब वो क्लिपबोर्ड में जाएगा तभी सारी ऐप जो है पढ़ पाएगी। तो गाइस ये जो मेरा कहने का मतलब यही था कि आप जो कॉपी करते हो वो क्लिपबोर्ड में चला जाता है और बाकी जो सारी ऐप्स है वो इसका, हालांकि अभी तक तो कोई ऐसा मिसयूज नहीं हुआ है, लेकिन अगर एक सीधी सी बात है गाइस कि अगर OTP या फिर हालांकि बैंक्स भी बोल रही है कि भाई हम जो आपको OTP सेंड कर रहे हैं, आधार कार्ड वाले भी बोल रहे हैं UIDAI,
कि हम जो ओटीपी आपको भेज रहे हैं आपको किसी के साथ शेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेटली अगर हमारी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो हम किसी और को क्यों दें, ठीक है। तो गाइस ये जो है सारी बातें जो है ध्यान रखने वाली है। तो आपका कोई इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है या फिर ऐसा कोई ओटीपी है, कोई अकाउंट नंबर है, कोई पासवर्ड है, वो कभी भी कॉपी मत कीजिएगा अपने फ़ोन में। जो भी है अपने आप लिख दीजिए, हाथ से लिख दीजिए, ठीक है, अपने मतलब कीबोर्ड से लिख दीजिए, बिल्कुल भी इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। अदरवाइज वो क्लिपबोर्ड में चला जाएगा और जो बाकी की एप्स है वो उसको पढ़ सकती है। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक रीज़न ये भी हो सकता है जो चाइनीज़ ऐप्स बैन हुई है उसके पीछे का, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो है उनकी खुद की ऐप्स के सिवा और कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकती है, ठीक है। हालांकि अभी चलो एक दो बंदे की बात और ठीक है, लेकिन जब बल्क में ऐसे मैसेजेस या ओटीपीज मिल जाते हैं तो वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं आपको यही बताने आया था, हालांकि मैं किसी पर कोई भी एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जस्ट जनरली बताना चाहता हूँ कि ये जो है ज़रा संभाल कर आप काम करना, और जो भी ओटीपी आता है या फिर कोई भी आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको ज़रा भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस मैं अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन डेफिनेटली प्रेस करें ताकि जो भी नई एक्सपीरियंस वीडियो आएगी उसका लिंक आपके सामने सबसे पहले आ जाएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, थैंक यू वेरी मच गाइस।